हेलो एवरीवन, तो आज हम इस वीडियो के द्वारा गुजरात बोर्ड का हिंदी जो कि क्लास 11th का है, इसके चैप्टर नंबर 11 नीति के दोहे पढ़ने वाले हैं, जिसको लिखा है रहीम जी ने। तो इस चैप्टर के कुछ हिस्सों को पार्ट 1 में पढ़ेंगे और बचे हुए हिस्सों को पार्ट 2 में पढ़ेंगे। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। नीति के दोहे, जिसे लिखा है रहीम जी ने, जिनका जन्म सन 1556 ईस्वी में और इनका मृत्यु सन 1627 ईस्वी में हुआ था। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। इनका जन्म लाहौर में हुआ था। वे अकबर बादशाह के संरक्षक बैरम खां के पुत्र थे। उन्होंने सम्राट अकबर और जहांगीर के दरबार में प्रशासनिक, राजनैतिक एवं सैन्य संचालन की कुशलता सिद्ध करके उच्च स्थान प्राप्त किया था। वे अकबर के दरबारी नवरत्नों में से एक थे। तो रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। इनका जन्म लाहौर में हुआ था और ये बैरम खां के पुत्र थे, जो अकबर बादशाह के यहाँ संरक्षक थे। इन्होंने सम्राट अकबर और जहांगीर के दरबार में प्रशासनिक, राजनैतिक एवं सैन्य संचालन की कुशलता सिद्ध करते हुए उच्च स्थान प्राप्त किया था और इसीलिए ये अकबर के दरबारी नवरत्नों में से एक थे। रहीम कलम तथा तलवार दोनों के धनी थे। वे हिंदी, संस्कृत, अरबी, फारसी, तुर्की, अवधी, ब्रज भाषा, फ्रेंच तथा अंग्रेजी भाषा के अच्छे ज्ञाता थे। रहीम सतसई, श्रृंगार सतसई, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी, रहीम रत्नावली, भैरवी नायिका, भेद आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब इनकी रचनाओं में कौन कौन से प्रमुख रचनाएं हैं उसके नाम दिए गए हैं। यहाँ नीति के दोहों में आचरण की शुद्धता पर बल दिया गया है कि हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसा आचरण रखना चाहिए। जीवन का सत्य उजागर करने वाले इन संकलित दोहों में शक्ति की महत्ता, मैत्री, संगति का फल, वाणी का प्रभाव, योग्यता, बड़े छोटे का भेद, दरिद्रता, कृपण, जिह्वा की विशेषता एवं उदारता का मार्मिक चित्रण हुआ है। तो इसमें, इस चैप्टर में, जीवन का सत्य उजागर करने वाले इन दोहों में शक्ति की महत्ता बताई गई है, मैत्री, संगति का फल कैसा होता है, वाणी का प्रभाव कैसा होता है, योग्यता, बड़े छोटे का भेद, दरिद्रता, कृपण, जेवा की विशेषता और उदारता, इन सभी के बारे में वर्णन किया गया है। तो ये सारी अनमोल बातें हमें यहाँ से सीखने को मिलेगी। तो आइए हम इसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरई, मोती मानुष चून। पानी यानी जल और दूसरा पानी यानी इज्जत, यहाँ दो पानी है लेकिन दोनों का सेम मीनिंग नहीं है। इसका है जल और इसका मतलब हुआ इज्जत। उबरई, उबरई मतलब बच्चे। सून यहाँ लिखा है चून यानी चूना, तो इसका अर्थ है कवि जो है रहीम जी वो कहते हैं कि पानी बहुत मूल्यवान चीज है, हमें पानी की कद्र करनी चाहिए। वे कहते हैं कि बिना पानी के सब कुछ व्यर्थ है, बिना पानी के न मोती उत्पन्न हो सकता है, न मनुष्य जीवित रह सकता है और न पान आदि में खाया जाने वाला चूना चूना रह जाता है। यह कवि ने पानी को दूसरे अर्थ में भी लिया है। वे कहते हैं कि मनुष्य को अपने तेज, अपनी इज्जत को हमेशा बनाए रखना चाहिए। बिना तेज, बिना इज्जत के सब कुछ व्यर्थ है। जिस मोती का तेज यानी चमक चला जाता है वह मोती मोती नहीं रह जाता है,
और जिस मनुष्य की इज्जत चली जाती है वह मनुष्य मनुष्य नहीं रह जाता है। इसी तरह जिस चूने का सत्व यानी पानी चला जाता है वह चूना भी किसी काम का नहीं रह जाता है, अर्थात इनका तेज समाप्त हो जाता है, इसकी चमक समाप्त हो जाती है। तो कवि ने बताया कि पानी बहुत ही मूल्यवान चीज़ है, हमें इसकी कद्र करनी चाहिए, क्योंकि बिना पानी के सब कुछ व्यर्थ है। बिना पानी के ना तो मोती हो सकता है, ना मनुष्य जीवन चल सकता है। पान में जो चूना लगा रहता है उसमें भी बिना पानी के उसका कोई उपयोग नहीं है, वो व्यर्थ है। तो पानी को दूसरे अर्थ में भी कवि ने समझाया है कि मनुष्य को अपनी चमक को, अपने तेज को, अपनी इज्जत को हमेशा बनाए रखनी चाहिए। एक तो जल के तौर पर समझाया, दूसरा पानी का अर्थ बताया है इज्जत। तो हमें हमेशा अपने इज्जत को बनाए रखना चाहिए, बिना इज्जत के सब कुछ व्यर्थ है। जिस तरह मोती में अगर उसकी चमक चली जाए तो उसका कोई महत्व नहीं होता, तो इसी तरीके से मनुष्य की इज्जत भी होती है। अगर मनुष्य की इज्जत चली जाती है तो मनुष्य मनुष्य नहीं रह जाता। तो इसी तरीके से चूने का पानी अगर चला जाता है तो वो चूना भी किसी काम का नहीं रह जाता है। तो इसीलिए हमें इनका तेज को बनाए रखना चाहिए, इनके तेज को समाप्त नहीं होने देना चाहिए। नेक्स्ट है, जे गरीब पर हित करे ते रही बड़े लोग, कहा सुदामा बापू रो कृष्ण मिताई जोग। यहाँ हित, हित यानी भला करना, बड़े यानी महान, बापूरो का मतलब होता है दीनहीन, जो बेचारा है, और यहाँ कहने का मतलब है जोग, जोग का मतलब होता है योग्य। कवि रहीम कहते हैं कि जो महानुभव गरीबों का हित करते हैं वे बहुत महान लोग होते हैं। गरीब सुदामा भगवान कृष्ण की मित्रता के योग्य नहीं थे, पर कृष्ण ने गरीब सुदामा से मित्रता निभाई, इससे कृष्ण की महानता साबित होती है। तो यहाँ कहा गया है कि हमेशा गरीबों की मदद करनी चाहिए, उनकी भलाई करनी चाहिए, तभी वे लोग महान कहलाते हैं। क्योंकि गरीब जो होते हैं वे सुदामा भगवान कृष्ण के भी मित्र थे, और उनके मित्र के योग्य नहीं थे वो, लेकिन फिर भी वे गरीब सुदामा से कृष्ण ने मित्रता निभाई, और इससे कृष्ण की महानता साबित होती है। नेक्स्ट है, कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तैसो ही फल दीन। रहीम कहते हैं कि मनुष्य पर संगति का बड़ा प्रभाव पड़ता है, जिसके साथ उस आपका उठना बैठना होगा आप पर वैसा ही प्रभाव पड़ेगा। उदाहरण देते हुए कहते हैं कि स्वाति के नक्षत्र के पानी की बूंद तो एक जैसी ही होती है, पर वह केले के पेड़ पर पड़ती है तो पानी की बूंद रह जाती है, और सांप के मुंह में पड़ती है तो वो जहर बन जाती है, और जब वह सीप में पड़ती है तो मोती बन जाती है। तो यहाँ पर जैसी संगति है उसी तरीके से उसका प्रभाव भी पड़ रहा है। जैसे पानी की बूंद एक जैसी ही होती है, लेकिन जब वो केले के पत्ते पर पड़ती है तो पानी की बूंद ही रह जाती है, लेकिन अगर वो सांप के मुंह में पड़ जाती है तो वो जहर बन जाती है, और यदि वह सीप में पड़ जाती है तो वह मोती बन जाती है। तो जिसके साथ वो रहती है संगति जैसी होती है वो वैसे ही हो जाती है। नेक्स्ट है, दोनों रहीमन एक से जो लो बोलत नाही, जानी परत है काक पिक ऋतु बसंत के माही। कवि कहते हैं कि आदमी की अच्छाई और बुराई की पहचान उसकी वाणी से होती है। वे कहते हैं कि जब तक कौआ और कोयल बोलते नहीं तब तक दोनों देखने में एक जैसे ही लगते हैं, मगर जब वसंत ऋतु में कोयल मीठे स्वर में बोलती है तब पता चलता है कि कौन कौआ है और कौन कोयल। तो यहाँ कवि कहते हैं कि आदमी की अच्छाई और बुराई जब वो बोलता है उसकी वाणी से पता चलता है। वे कहते हैं कि कौआ और जो कोयल है दोनों बोलते नहीं हैं तब तक एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन वसंत ऋतु में जब कोयल के मीठे स्वर में वो बोलती है तब पता चलता है कि कौन कौआ है और कौन कोयल। जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए,
बारे उजियारो लगे बाढ़ो बढ़ेयो अंधेरो होए। कवि रहीम नालायक कुपुत्र की तुलना दीपक से करते हुए कहते हैं कि कुपुत्र और दीपक दोनों की ही हालत एक जैसी होती है। दीपक जला देने पर चारों ओर प्रकाश फैल जाता है, यदि उसे बुझा दिया जाए तो अंधेरा छा जाता है। उसी प्रकार जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसका कुल इस जन्म से प्रफुल्लित हो उठता है, पर जो जो वह बड़ा होता जाता है त्यों त्यों वह अपनी करतूतों से अपनी कुल को कलंकित करता रहता है। तो यहाँ कहा गया है कि एक अगर नालायक कुपुत्र हो जाए तो उसकी तुलना दीपक से करते हैं और कहते हैं कि कुपुत्र और दीपक दोनों की हालत एक जैसी होती है। कैसे? क्योंकि अगर दीपक को जला देने पर चारों ओर प्रकाश फैल जाता है और यदि उसको बुझा दिया जाए तो अंधेरा छा जाता है। उसी प्रकार से अगर कोई बच्चा घर में जन्म लेता है तो उसका जो कुल है इस जन्म से बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है वो वैसे वैसे अपनी करतूतों से अपने कुल को ही कलंकित करता रहता है। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक के दोहे समझ में आए होंगे, उसके अर्थ समझ में आए होंगे। तो इन दोहों से भी हमें काफ़ी कुछ सीखना चाहिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।